thankful to my dancers. I'm thankful to my dancers that they have taught me worth being in this position. And I would like my association to grant some points which we feel that it should be taken up. We should look after seniors, those who are sitting at home and doing nothing. Number one, pension for them. If a lady is born, a child, girl, we have to support her education. One child each dancer, one girl. Another, I would like them to learn this profession as they should go further on. I mean, it's not compulsory that you remain a dancer and become senior and die. You can also become a choreographer. You can also become a character artist. Judge. It's not necessary that you're in Dancers Association, you can't do anything else. So I would request all my dancers and the ladies or gents who want to become a dancer, please come to our association. You're most welcome. And when the child is born, another good thing our association will do is give them half rate for entrance. If we are charging 1 rupee, they have only to pay 8 annas. That's all we can help. And me. I want to introduce myself as a dancer now. This is my association and I'm still a member of Cine Dancer. Who knows what time I have to stand in one group line again. We never know the times. So I'm so proud I was a member of this association. And at the age of 10 and a half I entered. And then I became an assistant and then I became a choreographer. So we all can do this thing. Not that only I have done it, but many people. And now there's lots of space. We can do it. आप लोगों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ एक सरोज खान को जगह मिली है या फराह खान को जगह मिली है. नहीं, आप भी कर सकते हैं डेफिनेटली. और हमारी एसोसिएशन इस चीज़ में मदद करेगी. जिनको डांस प्रॉपर नहीं आता है, हम प्राइवेट क्लासेस बना देंगे उनके लिए ताकि वो अच्छा ग्रुप डांसिंग कर सके. इसके लिए भी वैल्यू है. और कुछ नहीं कहूँगी ज़्यादा. That's all what I wanted to say. I want Nilesh to say something. आपने सपोर्ट किया है. जो भी प्रॉब्लम रहेगा मेरे पास लेके आना, मैं सॉल्व करूँगा. बस एक ही सेंटेंस में बोल दिया. और सरोजी के बारे में? सरोजी के बारे में बहुत बड़ी है वो. सरोजी मेरे कहने लायक उनके पास नहीं. सरोजी आपके आने से इतना प्रोत्साहन मिला है सब डांसर्स को, तो कैसे लग रहा है आपको कि पीपल विल फील अलाइव अगेन बिकॉज़ यू दैट? आई फील प्राउड दैट आई एम सिटिंग हियर विद माय डांसर्स एंड दे एप्रिशिएट मी. Thank you so much, Ravi. First dance experience. Thank you so much, Raj. Pahla, thank you pahla so pahla much, pahla all pahla my dancers. मेरा पहला गाना था हावड़ा ब्रिज. आइए मेहरबान. उसमें मैं ग्रुप डांसिंग. उसके बाद 2.5 साल के करीब मैंने काम किया. उसके बाद सोहनलाल मास्टर जी ने मुझे देखा नाचते हुए और अपना असिस्टेंट बना लिया. फिर वहाँ से मुझे ब्रेक मिला क्योंकि मास्टर जी चले गए थे कश्मीर किसी गाने के लिए. और जिनकी डेटें थी उन लोगों ने कहा कि हम दूसरा मास्टर नहीं बुलाएंगे, इसलिए कि तुम्हारा मास्टर पैसा लेके गया, तो अभी तुम कंपोज करके दो. तो मुझे नई चीज़ लगी, कंपोज क्या होता है. तो बोले आप सिखाओ आर्टिस्ट को. मैंने बोला मुझे वो नहीं आता, मुझे नाचना आता है. आप मेरे को बोलो नाचो, मैं नाच दूंगी, लेकिन बताओ क्या नाचना. मेरे को नहीं मालूम. तो बोले हमारा जो डायरेक्टर है पीएल संतोषी,
आज भी मैं उनको याद करती हूँ, उनकी वजह से मैं डांस डायरेक्टर बनी। उनके बेटे हैं राजकुमार संतोषी, उन्होंने मेरे को बताया कि निगाहें कैसा बताई जाती है, मिलाने को कैसा बताओगे, जी चाहता है। और जब पहला सेंटेंस मैंने कर लिया, निगाहें मिलाने को जी चाहता, तो मेरे को लगा ये तो बहुत सस्ती चीज़ है, कंपोज करना तो बहुत आसान है। वहाँ से मैंने पूरा गाना कंपोज किया। लेकिन नूतन ने कहा कि नहीं मास्टर जी, सरोज जी आप मेरे साथ बैठेंगे तो ही मैं नाचूंगी, नहीं तो नहीं नाचूंगी। तो मैं ग्रुप में भी बैठी हुई हूँ। पिक्चर का नाम है दिल ही तो है, राज कपूर नूतन। दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू डांस वर्ल्ड कोरियोग्राफी। राज, डू यू वांट टू से समथिंग? आई वांट टू से समथिंग दैट व्हेन यू स्टार्टेड द जर्नी, जब आपने स्टार्ट किया था एज अ सीनियर डांसर एसोसिएशन मेंबर, जब आपको कितना वेतन मिलता था? अच्छा, हाँ, हंसना नहीं है। जब हम लोग हावड़ा ब्रिज में नाचे, तब हमारी तनख्वाह थी 8 घंटे के लिए 26 रुपया चार आना। 26 रुपया चार आना, वो भी सप्लायर हमको देता था शूटिंग ख़त्म होके 1 महीने के बाद। जिस डेट पे शूटिंग ख़त्म होगी उसके 1 महीने बाद, वो भी चाराना कभी नहीं मिला ज़िंदगी में, सिर्फ 26 रुपये मिलता था। उसके बाद हम 45 रुपीज़ पे आए, फिर हम 108 रुपये पे आए। तब तक मैं डांसर थी। अभी 4,500 रुपया है। अब हमारे डांसर्स का 4,500 है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन। Yes. Because of all these people, yeah, all these people, us. Those who have supported yes. us, and today now my dancers are happy. Yeah, even when they do one shift, they are happy. Rupees, we have to give. Yes, I will request my association. Pension. All right. जितने भी जो हमारे लोग बैठे हैं, seniors. उनके लिए पेंशन बनाए, और हमारे जितने डांसर्स हैं वो एक शूटिंग में से, हम ये नहीं कहते पर डे में से, एक शूटिंग उसमें से 100 रुपया निकाल के दे दें। उससे हमारे मेंबर्स बहुत हैं, 100 रुपया भी बहुत है। तो ये हमारा डोनेशन जैसा जमा हो जाएगा। जैसा शुरू करने वाले हैं आप लोग? ये हम लोग फर्स्ट से December 1st. No, give them time. Oh, 1 week is enough. More than enough, no? You'll circulate all. Yeah, yeah, we will circulate all these things and all. And the, no, the if somebody has objection or something, no, no. And